Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़ी चर्चा के श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारे विषयों की चर्चा की है संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की है आतंक विरोधी कानूनों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की है पंचायती राज के बारे में चर्चा की है आज की इस चर्चा में मैं भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में बातचीत करूँगा मुझे तौर पर जब हम भारत में दलीय व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें आज मैं भारत की जो दलीय व्यवस्था है उसको ऐतिहासिक और सैद्धांतिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जनता दल से जुड़े हुए जो दल हैं वो बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में से दो सीपीआई और सीपीआईएम और कुछ क्षेत्रीय दलों के बारे में अध्ययन करेंगे आज की जो हमारी ये पूरी चर्चा है उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम राजनीतिक दलों के अर्थ राजनीतिक दलों के काम राज भारत में राजनीतिक दलों के एक इतिहास और विभिन्न चरणों में जिस तरीके से वो उभरकर सामने आए हैं उसकी एक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें और इसके अलावा मेरी कोशिश यह भी होगी कि मैं आपको आ, भारत की दलीय व्यवस्था की जो कमियां हैं जो सीमाएं हैं उनसे भी अवगत कराऊं। जो एक महत्वपूर्ण बात है हमारी चर्चा में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हीं सारी पहलुओं पर तो थो थो हम ध्यान देंगे और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर में खासतौर पर 2014 के बाद क्या हम एक टर्म भाजपा प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि ऐतिहासिक दौर में कांग्रेस uh, uh, आज़ादी के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व वाली दलीय व्यवस्था का वर्णन करने के लिए रजनी कोठारी ने कांग्रेस uh, प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया था इस विषय पर हम आखिर में uh, कुछ बातचीत करेंगे uh, लेकिन uh, जो uh, शुरुआती बिंदु है हमारी चर्चा की uh, उसमें हमें यह समझकर रखने की ज़रूरत है कि राजनीतिक दल हमारे जीवन का हमारे सामाजिक जीवन का और हमारे से यहाँ तात्पर्य मैं मुख्य रूप से हिंदुस्तान की बात कह रहा हूँ लेकिन दुनिया में जितने भी तरह के लोकतंत्र हैं उनके बारे में भी यह बात सच है कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न भाग बन चुके हैं ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी ऐसे दौर में भी रहे होंगे जहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं होगा अक्सर आस पड़ोस में रहने वाले लोग अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं कई बार यह भी होता है कि एक परिवार के भीतर ही दो लोग या तीन लोग अलग अलग राजनीतिक धाराओं से जुड़े होते हैं और यह भी सच है कि हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं शायद ही कोई वक्त ऐसा हो जब देश में कहीं देश के किसी भाग में चुनाव का माहौल ना हो कहीं अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और अगर विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर पंचायतों के नगर के अलग अलग राज्य में चुनाव थोड़े थोड़े अंतराल पर होते रहते हैं तो कभी अगर गुजरात में चुनाव हो रहा है तो उसके कुछ समय पहले पंजाब में हो रहा होता है उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आती है और ये जब पंचायत और नगर निकायों के चुनाव से थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि अच्छा चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं तो फिर किसी विधानसभा का चुनाव आ जाता है मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आ, हमारे देश के लोकतंत्र में और मौजूदा व्यवस्था में चुनाव तो एक अपरिहार्य भाग बन ही गया है लेकिन इन चुनावों को संचालित करने के माध्यम के रूप में राजनीतिक दल भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राजनीतिक दलों की जब हम बात करते हैं तो आ, सबसे पहले जोसेफ लॉ और पालोम्बरा और माय विनर की इस पंक्ति को उद्धृत करना महत्वपूर्ण रहेगा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो आधुनिक और आधुनिकीकृत हो रहे समाजों की विशेषता के रूप में होते हैं यानी कि अगर कोई समाज आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है वो उसके भीतर जो मध्ययुग के मूल्य थे वो समाप्त हो रहे हैं तो वह उसको सामने लाने वाले तत्व के रूप में राजनीतिक दल भी सामने आते हैं और यह भी महत्वपूर्ण है कि जब हमने लोकतंत्र की परिकल्पना की यानी कि जब सैद्धांतिक स्तर पर लोकतंत्र की बात कही गई तो अक्सर चाहे हम आ, एरिस्टोटल की राइटिंग में देखें या फिर आधुनिक दौर में रूसों की राइटिंग में देखें तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही गई प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोग सीधे तौर पर अपने मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और फिर यह फैसला कर रहे हैं कि किसी विषय के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए और ये आ, एथेंस आ, में ऐसा था ग्रीक पीरियड में आ, हिंदुस्तान में भी जो प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की किसी व्यवस्था की बात सामने आती है आ, उसी तरीके से आ, रूसो बार बार इस बात पर जोर देते थे कि वास्तविक लोकतंत्र यही होता है और जब महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य के विचार पर जोर दिया तो उसमें भी यह बात निहित थी कि आ, एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर लोग सीधे तौर पर बातचीत कर कर अपने मुद्दों को समझेंगे उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे लेकिन जब हम आ, लोकतंत्र की बात करते हैं बड़े स्तर पर लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह मुमकिन नहीं रह जाता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से लोगों की बातचीत के आधार पर एक व्यवस्था का निर्माण कर पाए मिसाल के तौर पर आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र की कल्पना कीजिए कई बार हम मैं यह भी कह सकता हूँ कि आप किसी भी पंचायती क्षेत्र की कल्पना कीजिए यानी कि जहाँ एक ग्राम पंचायत है उसकी भी कल्पना कीजिए तो क्या हम यह कल्पना कर पाएंगे कि एक पंचायत जो कुछ गांवों को मिलकर बनता है वहाँ के सारे लोग एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर विचार कर सकते हैं शायद कुछ पंचायतों के लिए ऐसा कहा जा सकता है लेकिन क्या यही बात विधानसभा क्षेत्र के लिए कही जा सकती है क्या यही बात लोकसभा क्षेत्र के लिए कही जा सकती है जहाँ पर चौदह से पंद्रह लाख तक मतदाता होते हैं तो हमारा जवाब होगा कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा कि एक ऐसी सभा हो जहाँ पर इतने बड़े तादाद में लोग बैठें सब लोग अपने विचारों को रख पाएँ और अपने विचारों को रखते हुए वे विभिन्न मुद्दों पर एक सहमति बना पाएँ और एक निर्णय ले पाएँ कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ सीमित और छोटे स्तर पर ही मुमकिन है जैसे जैसे भौगोलिक आकार बढ़ता है जनसंख्या का आकार बढ़ता है वैसे वैसे यह संभावना धूमिल होती जाती है कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सहारे काम कर सकते हैं इसलिए यह व्यवस्था उभर कर सामने आई कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और वे प्रतिनिधि आगे जाकर अपनी बातों को रखेंगे यानी कि जब एक प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा तो यह माना जाएगा कि वह अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जब इस प्रतिनिधित्व की बात हुई तो धीरे धीरे यह बात भी सामने आने लगी कि जो एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं वो एक समूह में संगठित होने लगे और इसके बाद एक पार्टी के रूप में उनका उदय होने लगा चाहे हम इसकी बात ब्रिटेन में देखें या संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो इसी तरीके से राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ एक तरह की सोच रखने वाले लोगों का एक समूह बना फिर जब लोकतंत्र में चुनाव की बात आई या किसी अन्य मुद्दे पर संघर्ष की बात आई तो इस तरीके के लोगों ने मिलजुल कर अपनी बातों को रखा तो यहाँ से राजनीतिक लोक दलों की शुरुआत की हम बात देख सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में लोकतंत्र मूलक ही हो सकता है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ तत्व डाले जा सकते हैं और अगर लोकतंत्र प्रतिनिधिमूलक है तो उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका होगी राजनीतिक दलों की भूमिका को नकार कर किसी लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है अब अगर हम अपने देश में आते हैं तो आ, और विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा कि मैं मौजूदा समय में जो परिस्थिति है उससे जोड़ते हुए आ, आपके सामने बातों को रखूं तो हम यह देख सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय दल होते हैं राज्य स्तरीय दल होते हैं और फिर ऐसे दल होते हैं जिन्हें राज्य स्तरीय दल की मान्यता भी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि उनका प्रभाव काफ़ी कम होता है या वे काफ़ी छोटे क्षेत्र में सीमित होते हैं तो आ, मैं राज्य स्तरीय दलों के बारे में अभी बात नहीं करूंगा छोटे दलों की भी थोड़ी चर्चा करूंगा लेकिन बहुत विस्तार से हम इसके बारे में एक अलग लेक्चर में बात करेंगे Uh, मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आपको एक समझ दूं कि आखिर हमारे देश में जो राष्ट्रीय दल जिन्हें कहा जाता है वे कौन होते हैं वे किस आधार पर तय किए जाते हैं और uh, उनका विकास किस तरीके से हुआ है तो राष्ट्रीय पार्टी की अगर हम परिभाषा पर ध्यान दें तो यह बात कही जा सकती है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह uh, देश में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय दलों की संख्या आठ है यहाँ पर सात लिखा हुआ है लेकिन ये असल में आठ हैं। और राज्य स्तरीय दलों की संख्या पैंतीस और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या आ, दो है भारत के चुनाव आयोग ने एक राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं मुख्य रूप से यहाँ पर हम राष्ट्रीय दलों पर ही ध्यान देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तरह के दल होते हैं राष्ट्रीय दल राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल और फिर अन्य छोटे दल अप्रैल दो तक भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या आठ है और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या पैंतीस है और अन्य दलों की संख्या उसी हिसाब से घटती बढ़ती रहती है तो भारत का निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उनको कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं भी देता है जैसे पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधाएं देना चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना ताकि वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और भारत में एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है यदि कोई पार्टी कम से कम तीन विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की दो सीटें यदि कोई पार्टी चार लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में छः प्रतिशत वोट प्राप्त करती है या यदि कोई पार्टी चार या चार से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है तो ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है जब मोटे तौर पर हम राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो उसमें कुछ दलों के नाम सामने आते हैं निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दो मुख्य राष्ट्रीय दल के रूप में आते हैं लेकिन इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या माकपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हिंदी में संक्षेप में इसे राखपा कह सकते हैं एन भी इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है और फिर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसे दो में दर्जा प्राप्त हुआ था और नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि पूर्वोत्तर की एक पार्टी है और 2019 में इसे इस रूप में मान्यता दी गई तो ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं अगर हम इस शब्द की बुनियादी अर्थ में जाएं तो राष्ट्रीय पार्टी का अर्थ आ, हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका नजरिया जो है वो राष्ट्रीय है जो मुद्दों पर क्षेत्रीय भावनाओं या क्षेत्रीय ज़रूरतों के हिसाब से निर्णय नहीं करती है बल्कि वह अक्सर इस बात पर ध्यान देती है कि उसके द्वारा आ, किसी मुद्दे पर अपनाए जाने वाले रवैये का या रुख का या दृष्टिकोण का पूरे देश में किस तरीके का प्रभाव होगा तो ये जो एक समझ है राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जो मैंने आपके सामने सूची रखी वो बहुत सारी पार्टियाँ उसको पूरा नहीं करती है। मिसाल के तौर पर तृणमूल कांग्रेस मोटे तौर पर पश्चिम बंगाल में केंद्रित पार्टी है बहुजन समाज पार्टी हालांकि देश के सभी दलितों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है और कई राज्यों में उसके छोटे स्तर पर कई सांसद और विधायक भी हैं लेकिन मुख्य रूप से यह उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित पार्टी बनकर रह गई है आ, उसी तरीके से अगर हम आ, बात करें आ, जो पूर्वोत्तर का की जो पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी आई है या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तो ये सब भी कुछ कुछ क्षेत्रों में सिमटी हुई पार्टियां हैं लेकिन आ, मैं जिस बात को आ, आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ वो ये कि चुनाव आयोग के द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता देने का मसला पूरी तरीके से तकनीकी मसला है और कई बार जो क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रभाव रखने वाले दल होते हैं उन्हें भी आस पड़ोस के कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के आधार पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है तो हमें इस बात को समझ कर रखना होगा कि तकनीकी स्तर पर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है और एक वास्तविक अर्थ में जब हम एक राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है अब हम यह समझने की बात करते समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ भारतीय संदर्भ में राजनीतिक दलों का उदय अंग्रेज़ों के शासनकाल में उदारवादी व शराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की शुरुआत करने से हुआ अठारह के बाद विभिन्न काउंसिल एक्ट्स के द्वारा प्रतिनिधित्व को धीरे धीरे बढ़ाया गया इसी तरह 1909, 1919 सौ और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भी परिषदों और सभाओं में प्रतिनिधित्व को धीरे धीरे बढ़ाया गया इससे राजनीतिक दलों का उदय और विस्तार हुआ लेकिन भारत के संदर्भ में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज़ादी के लिए चलने वाले जन आंदोलनों या विशिष्ट समुदायों के दावों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी राजनीतिक दल उभर सामने आए एम पी सिंह और रेखा सक्सेना एम पी सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं और रेखा सक्सेना वहाँ अभी प्रोफेसर हैं दोनों ने भारतीय राजनीति के संदर्भ में खासतौर तो पर संघीय राजनीति के संदर्भ में उल्लेखनीय काम किया है तो उन्होंने भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनके विकास को पांच चरणों में बांटा है पहला चरण आंदोलन दल व्यवस्था के रूप में है और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको एक बार इन विभिन्न चरणों के शीर्षक या उनके नाम के बारे में बता देता हूँ फिर मैं इसका वर्णन करूँगा तो पहला चरण आंदोलन दल व्यवस्था है जिसे वो 1920 से 1947 तक रखते हैं आ, रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली इसका भाग बन जाती है जिसकी हम चर्चा करेंगे और दूसरा चरण सॉरी जो जन आंदोलन का चरण है उसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली होगी जो कि नेहरू के दौर को मुख्य रूप से सामने रखती है तीसरे चरण में हम इंदिरा गांधी के कांग्रेस और जयप्रकाश नारायण के बीच का जो टकराव का दौर है उसको देखेंगे फिर अस्सी का दशक है और उसके बाद जो पाँचवें स्तर पर जो आएगा वो अल्पसंख्यक सरकारों का दौर आएगा तो हम इन सभी पहलुओं को धीरे धीरे देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन पांचों दौरों में राजनीतिक दलों का उभार हुआ एक अन्य पहलू है जो कि 1990 के बाद जिस तरीके से हमारे देश में दलीय व्यवस्था सामने आई उसका वर्णन करने के लिए सुहास पल्सिकर और योगेंद्र यादव ने और बाद में के सी सूरी भी ने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया इन लोगों ने मिलकर एक पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी शब्दावली का इस्तेमाल किया है तो हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या अर्थ है और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण सवाल बचता है कि पिछले सात सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव का विस्तार हुआ है तो क्या हम एक भाजपा प्रणाली की बात कर सकते हैं तो हम इन सभी मुद्दों पे धीरे धीरे करके आएंगे लेकिन अगर हम जो पहली एक स्थिति है आंदोलन दल व्यवस्था उस पर ध्यान केंद्रित करें तो हम यह पाएंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग हिंदू महासभा ये सभी किसी विशेष हित के प्रतिनिधित्व का दावा करते रहे हैं और इन सभी में अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को देखें तो उसमें आ, महात्मा गांधी के आने के बाद एक उसको आ, जनता से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की गई और आ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह दावा किया कि वह हिंदुस्तान के सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करती है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन भी चले जिसके आधार पर यह कोशिश की गई कि एक ऐसी व्यवस्था सामने आए जिसमें कि सभी भारतीय मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करें और वो भारत को आज़ाद करने की कोशिश करें लेकिन इसके अलावा भी कई दल थे जिन्होंने अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समूहों के प्रतिनिधित्व का दावा किया हिंदू महासभा हिंदुओं के प्रतिनिधित्व का दावा कर रही थी मुस्लिम लीग का दावा था कि वह मुस्लिमों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कई राजनीतिक दल बनाए और उन्होंने यह कोशिश की कि वो मजदूरों या दलितों के हितों को सामने रखें और क्रांतिकारियों का एक अलग दल था तो कुल मिलाकर बहुत तरह के दल सामने आए इनमें से कई दल सीधे तौर पर जन आंदोलन की बात करते थे कई अन्य दल जो थे वो कोशिश करते थे कि वो जिन समूहों के प्रतिनिधित्व का दावा कर रहे हैं उन्हें गोलबंद करें उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित करें उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वे अपनी मांगों को जोर शोर से रखें अगर हम बाहर और ये वही दल थे जिन्होंने बाद में जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद जो चुनाव हुए उसमें इन दलों ने भागीदारी की कई राज्यों में सरकारें बनी कांग्रेस की भी बनी कुछ आ, अन्य स्थानों पर अन्य पार्टियों की सरकारें भी बनी तो ये इस रूप में एक दलीय व्यवस्था चली जिसे हम कह सकते हैं कि जो भारत में स्वतंत्र भारत में जो दलीय व्यवस्था की स्थिति आई उसमें इस पूरी घटनाक्रम ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया या हम यह कह सकते हैं कि इसने कम से कम देश के एक छोटे तबके को राजनीतिक प्रक्रिया के लिए एक तो आंदोलन की गति की थी अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला आंदोलन था और दूसरा संसदीय राजनीति में भागीदारी करना खासतौर पर उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के बाद जो चुनाव हुआ तो उन चुनावों में भागीदारी करना अपने मैनिफेस्टो को लेकर लोगों के बीच जाना लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कहना और उसके पहले भी ये प्रक्रिया छोटे स्तरों पर चल रही थी लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में के बाद यह तुलनात्मक रूप से विस्तृत रूप से हुई और इसने लोगों को या एक बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संसदीय चुनाव की प्रणाली से वाकिफ कराया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि भविष्य में उन्हें अपनी राजनीति की दिशा को किस ओर आगे बढ़ाना है अब जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति सामने आई ख़ास तौर पे नेहरू के जीवित रहते हुए आ, तो उसे वर्णित करने के लिए 1964 में रजनी कोठारी साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और वो उसे उन्होंने कांग्रेस सिस्टम के रूप में वर्णित किया तो ये जो पहली राजनीतिक दलों की व्यवस्था हमारे देश में आई उसे और वो एक बहुत ही सर्वस्वीकार्य वर्णन बना उस समय के लिए कुछ अन्य लोगों ने इसे एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था की भी संज्ञा दी लेकिन मोटे तौर पर जब हम कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं तो वह नेहरू के दौर में जो राजनीतिक दलों की स्थिति थी उसके वर्णन का आधार बन जाता है और एक तरीके से यह आगे के दौर में राजनीतिक दलों के विकास की एक आधारशिला भी तैयार करता है जैसे जो कांग्रेस सिस्टम है सबसे पहले अगर हम उसके अर्थ पर ध्यान देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में था निश्चित रूप से अन्य दल भी चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे थे भारतीय जनसंघ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी 1964 के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी उभर कर सामने आई सोशलिस्ट लीडर्स थे जिसमें कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली पार्टी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में थी तो इन सब ने भी कांग्रेस की प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश की लेकिन जब रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ यह है मोटे तौर पर कि कांग्रेस एक ऐसे व्यापक राजनीतिक संस्था के रूप में मौजूद थी जिसके भीतर ही सहमति और असहमति के स्वर मौजूद थे और उसके भीतर एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसमें कि जो नए तरीके के स्वर उभरते थे जो विरोध के स्वर होते थे जो स्थापित व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे उन्हें उसके भीतर ही समाहित कर लिया जाता था तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जिससे कि जो प्रभुत्वशाली समूह था उसके साथ ही साथ जो नए उभरती आवाज़ें थीं जो नए उभरती हुई राजनीतिक मांगें थीं उनको समायोजित करने की कोशिश की गई तो हमें यह याद रखना है कि कांग्रेस प्रणाली अन्य दलों के अस्तित्व को स्वीकार करती है लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए वह इस बात को रेखांकित करती है कि इसमें यह क्षमता मौजूद थी कि कांग्रेस के भीतर ही असंतोष के स्वरों को समायोजित किया जाए और जो नए उभरते हुए तबके हैं उन्हें भी राजनीति में शामिल किया जाए लेकिन अगर आ, हम ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे और योगेंद्र यादव और आ, आ, सुहास पलसेगर ने इसको रेखांकित भी किया है कि कांग्रेस सिस्टम जो था वो पूरे देश में था ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब नेहरू के नेतृत्व में काफ़ी मजबूती से शासन चल रहा था कांग्रेस का तब भी देश के कई ऐसे भाग थे जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं थी मिसाल के तौर पर आ, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गठित हुई और कल कई अन्य भागों में भी जो छोटे दल थे वो कांग्रेस को तगड़ी चुनौती दे रहे थे दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस प्रणाली थी उसके भीतर जो असंतोष की आवाज़ों को समायोजित करना नए उभरती आकांक्षाओं को जगह देना यह जो पूरी प्रक्रिया थी वो एक सीमित मात्रा में ही हो पाई एक ऐसी स्थिति बनी जिसके चलते कि बहुत से समूहों को कांग्रेस के भीतर स्थान नहीं मिला वो हाशिए पर चले गए और ऐसे जो समूह थे आ, उन्हें विपक्षी दलों की का एक तरीके से साथ मिला अगर हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति को इस दौर में देखें जब नेहरू का वर्चस्व था जब वो समाजवाद की बात कर रहे थे जब वो आ, देश को एक आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने की बात कर रहे थे उस समय आ, राम मनोहर लोहिया ने लगातार गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और उन्होंने यह कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व है उससे इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है और ज़रूरी यह है कि जो विपक्षी दल हैं वो एक गैर कांग्रेसवादी विकल्प प्रस्तुत करें तो इसके कारण से आ, कई चुनावों के बाद तक उन्नीस आते आते तक ऐसी एक ऐसी स्थिति आ पाई जहां पर न सिर्फ गैर कांग्रेसी दल अलग अलग राज्यों में एकत्रित हुए बल्कि जनता के एक बड़े समूह को भी एक नया विकल्प मिलने का एहसास होने लगा और खास तौर पर उस समूह को जिसके पास कांग्रेस के भीतर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन नहीं था और यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा पिछड़ी जातियों का जिनके जिन्हें कांग्रेस में उस तरीके से जगह नहीं मिल रही थी तो जो कुल मिलाकर जो मैं बात यहाँ पर रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि जो दूसरे स्तर पर और, और हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहले स्तर पर जो एक राजनीतिक दलों की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई उसका वर्णन करने का एक महत्वपूर्ण साधन कांग्रेस प्रणाली शब्द है या कांग्रेस सिस्टम शब्द है और इस पूरी अवधारणा को रजनी कोठारी ने प्रस्तुत किया हमने इसकी कुछ तत्वों की बात की हमने इसके सीमाओं की बात की और हमने यह भी रेखांकित करने की कोशिश की कि कैसे खुद इस पूरी प्रणाली के भीतर इसके टूटने के संकेत थे और कैसे विपक्षी दलों की लगातार कोशिशों ने विशेष रूप से राम मनोहर लोहिया और अन्य नेताओं की कोशिशों ने एक तरीके से जो कांग्रेस की वर्चस्व की व्यवस्था थी उसको तगड़ी चोट पहुंचाई उन्नीस में और उसके बाद कुछ हद तक एक ट्रांजिशन का फेज हम देख सकते हैं जिसमें कि कांग्रेस का विभाजन होता है कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में विपक्षी दलों को उन्नीस के चुनाव में सफलता मिलती है आ, लेकिन फिर भी कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में मौजूद रह जाती है खासतौर पर वह कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी कांग्रेस आर आ, लेकिन जब इंदिरा गांधी को चुनावी सफलता मिलती है आ, तो उसके बाद आ, जो 1971 के चुनावों के बाद तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति आती है जब इंदिरा गांधी एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में उभरती हैं जो विपक्षी दलों को ज़्यादा स्थान या मौका देने का रा, रास्ता नहीं छोड़ती हैं इसके बजाय उनकी यह कोशिश होती है कि कांग्रेस पार्टी एक वर्चस्वशाली दल के रूप में रहे लेकिन उसी समय जो आपातकाल लगता है और आपातकाल के पहले जो बिहार छात्र आंदोलन या गुजरात आंदोलन गुजरात नवनिर्माण आंदोलन होता है और उसके बाद जयप्रकाश नारायण एक महत्वपूर्ण विपक्षी आवाज के रूप में उभरते हैं तो उस दौर में कांग्रेस की इस मजबूत स्थिति को तगड़ी चुनौती मिलती है और 1975 में जब आपातकाल खत्म होता है और ये उन्नीस सौ सतहत्तर में उन्नीस सौ पचहत्तर में आपातकाल लगता है आपातकाल लगने के पीछे बहुत तरह के कारण थे उसके पीछे इंदिरा गांधी की अपनी असुरक्षा की भावना थी और आपातकाल के दौरान बहुत तरह की ऐसी गतिविधियां हुई जिसने इंदिरा गांधी को अलोकप्रिय बनाया तो एक ऐसी मजबूत राजनीतिक दल का गठन हुआ आपातकाल के बाद जनता पार्टी के रूप में जिसमें बहुत तरह के विपक्षी दल मिले और जिसमें सोशलिस्ट थे और सोशलिस्टों के साथ ही साथ इसमें जनसंघ का जो धड़ा था यानी पूरा जनसंघ जो था वो भी इसमें मिला और तो और फिर इसके अलावा जगजीवन राम के नेतृत्व वाली पार्टी मिली जो जो आपातकाल के बाद कांग्रेस से अलग हुई थी तो इन कई दलों के मिलने से जब जनता पार्टी मिली तो एक तरीके से उसने कांग्रेस के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया वह विकल्प जिसकी कोशिश राम मनोहर लोहिया कर रहे थे और लेकिन जो जनता पार्टी का जो प्रयोग था हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति सामने आई जहाँ पर दो मजबूत राष्ट्रीय दल आ, उभर कर सामने आ गए और वामपंथी दल जिन्हें कहते हैं यानी कि कम्युनिस्ट पार्टीज उस समय तक दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय राजनीति में थी एक सीपीआई और दूसरी सीपीएम सीपीआई 1977 तक कांग्रेस के साथ रही और बाद में सीपीआई एम के साथ मिलकर उसने वाम मोर्चे का गठन किया जो कि एक अलग चर्चा का विषय है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये कि इस दूसरे चरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दूसरे चरण में और मोटे तौर पर अगर हम उस वर्गीकरण को देखें तो उसमें तीसरा चरण है एक ऐसी स्थिति आई जहाँ पर पार्टी व्यवस्था में एक तरह का टकराव देखने को मिलता है और कम से कम कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जनता पार्टी के रूप में एक ऐसा विकल्प उभर कर सामने आया है जो कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है लेकिन जनता पार्टी का प्रयोग सफल नहीं रहा और इंदिरा गांधी की फिर से सत्ता में वापसी हुई 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में फिर से वापसी हो गई और उन्हें उनकी एक तरीके की सत्तावादी राजनीति को चुनौती देने वाले जयप्रकाश नारायण को जनता पार्टी की प्रयोग की विफलता से काफ़ी निराशा हुई और बाद में उन्नीस के दशक में ही इनका देहांत भी हो गया आ, लेकिन आ, ये जो पूरा जनता पार्टी के आ, का जो प्रयोग था उसके विफल रहने का अर्थ यह नहीं था कि कांग्रेस फिर से एक बहुत ही मजबूत दल के रूप में स्थापित हो पाई कांग्रेस 1970 के दशक से ही यानी कि नेहरू के दौर के बाद से हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कुछ संक्रमण के वर्ष रहे जब आ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे और इंदिरा गांधी अपने शुरुआती दलों में काफ़ी हद तक सिंडिकेट पर निर्भर रहीं लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी में तब्दील हो चुकी थी जिस जो इंदिरा गांधी पर निर्भर थी और इंदिरा गांधी का समाज के कुछ तबकों पर काफ़ी गहरा प्रभाव था यानी विशेष रूप से मुस्लिमों ब्राह्मणों और, और, और दलितों के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति को संगठित करने की कोशिश की और उसके आसपास अन्य बहुत से समूह उनको समर्थन कर रहे थे तो जब 1980 के दशक में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में वापस आई तो 1980 से 1990 के बीच के दशक को हम भारतीय राजनीति के राजनीतिक दलों के विकास के चरण के रूप में एक अलग चरण के रूप में देख सकते हैं और यह स्वतंत्र भारत का तीसरा और मोटे तौर पर चूंकि हम स्वतंत्रता से पहले से इस चरण इस तरह के विकास को देख रहे हैं तो ये चौथा चरण था अब इसमें जो मुख्य बात थी वह यह कि जनसंघ के रूप में एक जो पुराना जनसंघ था जो कि जनता पार्टी में मिल गया था उसके स्थान पर एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जो एक तरीके से जनसंघ का ही नया स्वरूप था और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी बनी उसको इस दशक के आखिर तक जनता दल के रूप में गठित हुई एक अन्य पार्टी से चुनौती मिली और जो कि बाद में राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में शामिल हुई और इसमें तेलुगु देशम और रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी थी अब अगर हम इस पूरे दशक की में दलीय राजनीति को ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे कि कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों से भी चुनौती मिली रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी से जुड़े हुए थे जो अब एक छोटे क्षेत्रीय दल के रूप में ही बदलने लगा था और वहाँ पर उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को हराया नंदमुरी तारक रामाव यानी कि एन टी रामाव ने अपनी एक पार्टी गठित की तेलुगु देशम और छः महीने के भीतर ही उन्होंने अगला चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस को धूल चटा दी उसके बाद असम गण परिषद ने आसाम में कांग्रेस को पराजित किया तो इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से चुनौती मिलने लगी तो आ, ये वह दौर था जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अगर हम उन्नीस के चुनाव में देखें तो सिर्फ दो सीटें मिली थी जनता दल उन्नीस के बाद गठित हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खासतौर पे उन्नीस के चुनावों के बाद एक बहुत ही मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने आ चुका है लेकिन एक प्रक्रिया जो 1980 के दशक से ही शुरू हो गई थी यानी कि इंदिरा गांधी के काल से ही शुरू हो गई थी वह धीरे धीरे मजबूती पकड़ती गई और वह प्रक्रिया थी अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे राजनीतिक दलों से कांग्रेस को चुनौती मिलना और तो हम यह देखते हैं कि एक तरफ आ, 1980 के दशक के आखिर तक बीजेपी खुद को मजबूत करती है उसके बाद जनता दल भी एक विकल्प के रूप में सामने आता है लेकिन इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रीय दल भी आते हैं तो यह एक तरीके से कांग्रेस के पहले की तुलना में और कमजोर होने का दौर माना जा सकता है और जब हम अपने वर्गीकरण के पाँचवें स्तर पर पहुँचते हैं जो कि पूरे वर्गीकरण यानी कि आज़ादी से पहले के वर्गीकरण का पांचवा चरण है और अगर हम सिर्फ आज़ादी के चर आ, मिलने के बाद के वर्गीकरण पर ध्यान दें तो ये चौथा चरण भी माना जा सकता है इसमें आ, एक अल्पसंख्यक और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय विस्तार वाले बहुदलीय व्यवस्था की प्रवृत्ति को गहनता मिली अब आ, इस पूरी इस पूरे दौर में हम यह देख सकते हैं कि कम से कम दो तक दो से पहले और उन्नीस के बाद अधिकांश जो सरकारें बनी या सभी सरकारें जो बनी केंद्र स्तर पर वो गठजोड़ की सरकारें थीं वीपी सिंह की सरकार जो थी उसे वाम दलों और भारतीय जनता पार्टी दोनों का समर्थन प्राप्त था उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था नरसिम्हा राव की सरकार अल्पसंख्यक सरकार के रूप में थी जिन्हें कई छोटे दलों ने समर्थन दिया था उसके बाद कुछ समय के लिए वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे उसके बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी जिसमें एश डी देवगौड़ा और उनके बाद आई के गुजराल प्रधानमंत्री रहे इसमें भी कई क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद वाजपेयी ने एन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया और फिर 2004 में कांग्रेस ने यूपीए को का गठन किया ये दोनों ही गठबंधन सरकारें थी जो सफलतापूर्वक चली अब इस पूरी प्रवृत्ति में हम यह देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल थे उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई तेलुगु देशम पार्टी ने संयुक्त मोर्चा को बनाने उसे एक स्वरूप प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आ, और आ, इसी तरीके से हम यह कह सकते हैं कि उन्नीस में आ, जो सरकार आ, बनी आ, वो सरकार काफ़ी हद तक अन्ना ड्रमो किया ए आई ए डी एम के के समर्थन पर निर्भर रही और वो सरकार का पतन भी उसी कारण से हुआ क्योंकि ए आई ए डी एम के ने अपना समर्थन वापस ले लिया जो जॉर्ज फर्नांडिस या अकाली दल इस तरीके के यानी जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी और अकाली दल एक दल के रूप में या शिवसेना इसने एन को एक स्वरूप देने में उसे एक निश्चित आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब यूपीए की सरकार बनी तो उसमें लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल और अन्य कई दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें सी पी भी है जो कि एक राष्ट्रीय दल के रूप में है लेकिन मोटे तौर पर यह गठबंधन की सरकार थी जिसमें कई छोटे छोटे दलों ने अपना समर्थन दिया था एनडीए एन डी के सरकार के साथ तृणमूल कांग्रेस जुड़ी रही बाद में यू के साथ भी इसका एक तरह का गठजोड़ हुआ मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों में जनता दल के टूटने के कारण इस दौर में छोटे छोटे कई दल उभर कर सामने आए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या समता पार्टी जो बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में सामने आया या जनता दल सेकुलर जिसका प्रभाव कर्नाटक में था या बीजू जनता दल जिसका प्रभाव सिर्फ उड़ीसा तक था तो एक चाहिए कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव काफ़ी बढ़ा और दूसरे स्तर पर कांग्रेस कमजोर हुई क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर भी कुछ क्षेत्रीय दल बने ऐसे कुछ क्षेत्रीय दल दीर्घकालिक रूप से रहे जैसे तृणमूल कांग्रेस जो कि नब्बे के दशक में गठित हुई ममता बनर्जी के कांग्रेस से अलग होने के कारण जी के मुपनार के कांग्रेस से अलग होने के कारण तमिल मनीला कांग्रेस गठित हुई थी जिसने एक चुनाव में तो काफ़ी सफलता प्राप्त की पर धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म होते गया और फिर ये इसका कांग्रेस में विलय हो गया आ, तो कांग्रेस कई राज्यों में कमजोर हुई और फिर राष्ट्रीय दल जो थे वो काफी हद तक क्षेत्रीय दलों के सहयोग के आधार पर अपने आप को मजबूती से सामने लाने लगे यानी कि गठबंधन सरकारों का एक ऐसा दौर आया जिसने स्थिरता प्राप्त की वाजपेयी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिस जिन जिन्हें कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल था ये क्षेत्रीय दल कुछ हद तक दबाव डाल पाते थे एन गवर्नमेंट पर लेकिन उसके अस्तित्व को खतरा पूरी तरीके से पैदा कम से कम उन्नीस दो सौ निन्यानवे से 2004 के दौर में ये नहीं कर पाए और बाद में यूपी की सरकार भी इसी तरीके से चली तो हमें जो चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है वह यह एक वर्णन के रूप में कि 1990 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का विस्तार हुआ इनके प्रभाव में वृद्धि हुई कांग्रेस तुलनात्मक तो रूप से कमजोर हुई भाजपा मजबूत हुई और कुछ चुनाव में कांग्रेस को भी सफलता मिली लेकिन इन दोनों में से कोई भी दल 2014 के पहले इस स्थिति में नहीं आ पाया कि वह क्षेत्रीय दलों की भूमिका को उनके प्रभाव को पूरी तरीके से नकार सके बल्कि इन दलों ने इन क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर सरकार बनाने और चलाने की कोशिश की अब एक महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि यह इस दौर की यानी कि नब्बे के बाद की राजनीतिक दलों की व्यवस्था को हालांकि उसकी शुरुआत उन्नीस सौ अस्सी के दशक से ही मानते हैं उस इस, इस पूरी व्यवस्था को वर्णित करने के लिए सुहास पलसिकर योगेंद्र यादव और के सी सूरी ने पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है और आ, उन्होंने यह वर्णन मुख्य रूप से दो तक की स्थिति के बारे में ही किया है बाद में दो के बाद भी सुहास पलसिकर ने इसे आ, एक तरीके से आ, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी की कंटिन्यूटी के रूप में दिखाने की कोशिश की लेकिन निश्चित रूप से यह जो पूरी पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी की अवधारणा जिन चीज़ों पर जोर देती है भारतीय जनता पार्टी का उभार उसको एक तरीके से खारिज करता है तो जो हम समझने की अभी कोशिश करेंगे कि पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी का क्या अर्थ है आ, तो इसके अनुसार आ, जो इसकी कुछ विशेष अस्थाई किस्म की विशेषताएं हैं पहला मतदाताओं के लिए संसदीय चुनाव में मतदान का फैसला करने के लिए राज्य सरकार सबसे प्रमुख कसौटी बनी रही इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया जो पूरी तरह राजनीति को अपने लिए जनमत संग्रह में तब्दील कर दे और इसमें यह माना गया कि जो भी चुनाव हुआ उन चुनावों में क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व की काफी बड़ी भूमिका रही और कोई भी एक ऐसा नेतृत्व नहीं उभर कर आया राष्ट्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय दलों को अप्रासंगिक कर दे हालांकि इसमें भी हम यह देख सकते हैं कि कुछ समय के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वो एक बहुत मजबूत नेता के रूप में उभरे थे जिनकी काफ़ी लोकप्रियता भी थी सोनिया गांधी की भी लोकप्रियता थी लेकिन जो मुख्य बात यहाँ पर है वो ये कि भाजपा उदाहरण के तौर पर देश के सभी भागों में उस समय मौजूद नहीं थी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी की हालत भी काफ़ी स्थानों पर कमजोर थी और लोकप्रियता के मामले में सोनिया गांधी वाजपेयी से कमतर ही थीं तो ये दोनों मजबूत नेता के रूप में अपने अपने समय में उभरे लेकिन चुनाव ये अपने प्रभाव के आधार पर एक दिशा में मोड़ देने में पूरे देश में समर्थ नहीं हुए वाजपेयी उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में ऐसा कर पाने में समर्थ थे लेकिन वो दक्षिण भारत में या पश्चिम बंगाल में या पूर्वोत्तर में इस स्थिति में नहीं थे तो ये जो पहली विशेषता है जिसका कि वर्णन पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी में किया जा रहा है वो यही कि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कोई नेतृत्व नहीं रहा जो पूरे देश में चुनाव को अपने आधार पर अपने व्यक्तित्व के आधार पर एक दिशा दे सके और दूसरा कि इसमें क्षेत्रीय दल मजबूती से उभरें संघीय स्तर पर यह दूसरी विशेषता है संघीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व में दो बड़े गठबंधन होने के बावजूद राज्य स्तर के चुनावी परिदृश्य में बहुदलीय प्रतियोगिता का अस्तित्व बना रहा तथाकथित क्षेत्रीय दलों के मत प्रतिशत तकरीबन अस्थाई बने रहे लेकिन केंद्र सरकार के निर्माण में उनका प्रभाव काफी सीमित रहा विशेष रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि एन और यूपीए का गठन होने के बाद इनकी स्थिति क्षेत्रीय दलों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं रह गई कि वो इस बात को तय कर पाए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करने का अधिकार राष्ट्रीय दलों ने अपने पास ही रखा ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रीय दलों ने यह मांग रखी कि उन्हें एक विशेष मंत्रालय दिया जाए उनकी इस मांग को स्वीकार भी किया गया लेकिन वो उस स्थिति में नहीं रहे जैसा कि संयुक्त मोर्चे के समय में थे कि वो पूरी तरीके से सरकार को गिरा दें क्योंकि इतने ज़्यादा दल थे कि अगर एक छोटा सा दल यह तय करता था कि वो अब सरकार को समर्थन नहीं देगा तब भी सरकार की स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था तीसरे स्तर पर उत्तर कांग्रेस पॉलिटी जो है उसके दूसरे चरण में चुनावी उतार चढ़ाव की मात्रा में गिरावट आई यह बात राज्य स्तर से ज़्यादा केंद्र स्तर पर सामने आती है और दूसरे चरण का यहाँ पर तात्पर्य है उन्नीस के बाद जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं उसके पहले हम देखते हैं कि पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी के पहले चरण में काफ़ी उथल पुथल होती है और एक देवगौड़ा काफ़ी मजबूती से जो 18 या 19 सांसद जिता कर ले आते हैं कर्नाटक से और बहुत ही मजबूती से अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित कर लेते हैं केंद्र में क्योंकि उन्हें अन्य कई छोटे छत्रपों का समर्थन मिल जाता है उसी तरीके से बिना किसी जनाधार वाले आय के गुजराल इसलिए प्रधानमंत्री बन पाते हैं क्योंकि कई क्षेत्रीय दलों के नेता आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन यह जो प्रवृत्ति थी वह बाद में जो दूसरा चरण है उसमें कमजोर हो गई चौथी इसकी विशेषता वो यह बताते हैं कि अब तक की उत्तर कांग्रेस राज्य व्यवस्था में दलों के बीच बढ़ती विचारधारात्मक समाभिरूपता एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है विशेष रूप से आर्थिक नीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर यह कन्वर्जेंस uh, या समाभिरूपता देखी जा सकती है इसका मतलब uh, सीधे तौर पर यह है कि अगर हम आर्थिक नीतियों की बात करें तो कमोबेश सभी राजनीतिक दल एक जैसा सोचते हैं कमोबेश का मतलब यह है कि उसमें डिग्री का फर्क है जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी यह नीति अपनाती है कि वो विनिवेश को बढ़ावा देगी तो यह नीति कांग्रेस के द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति या निजीकरण की नीति जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने उन्नीस सौ इक्यानवे में आरंभ की उसकी तार्किक परिणति है क्योंकि उसमें यह बात शामिल है कि क्षेत्रीय निजी क्षेत्रों की भूमिका या निजी प्लेयर्स की भूमिका बढ़ाई जाएगी अब कम्युनिस्ट पार्टीज़ इसका आम तौर पर विरोध करती रही हैं लेकिन 2006 के बाद नंदीग्राम और सिंगूर में के पीछे की जो पूरी सोच थी वह यह थी कि शिल्पायन को या औद्योगिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है ऐसा बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सोचा था पश्चिम बंगाल में तो वहाँ भी बस डिग्री का फ़र्क है ये पूरी तरीके से अब आर्थिक नीतियों की किसी वैकल, वैकल्पिक रूपरेखा को तैयार करने की स्थिति में कोई दल नहीं है उसी तरीके से मौजूदा समय में कोई दल ऐसा नहीं है जो सामाजिक न्याय को नकारता हो सामाजिक न्याय एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक तरह की वैचारिक सहमति बन चुकी है तो वास्तविकता यह है कि हम कुछ हद तक अंतर देख सकते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में बुनियादी मुद्दों के आधार पर अन्यथा एक तरह की समझ जरूर एक तरह की एक तरह का कन्वर्जेंस जरूर दिखता है अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या भाजपा प्रणाली की बात की जा सकती है कांग्रेस प्रणाली के तर्ज पर इसका कारण यह है कि 2014 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के साथ और उसके बाद अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई और इन सब चीज़ों को मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभरी है और भाजपा ने उन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है जहां यह पहले से सशक्त रूप से मजबूत नहीं थी हालांकि देश के कुछ भाग अभी भी ऐसे हैं जहाँ भाजपा की कोई खास उपस्थिति नहीं है मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में या फिर केरल में या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी इस सूची में शामिल किया जा सकता है पंजाब को इस सूची में शामिल किया जा सकता है लेकिन फिर भी कई ऐसे क्षेत्रों में भाजपा ने अपना विस्तार किया जहां वो पहले नहीं थी मिसाल के तौर पर पूर्वोत्तर में इसका विकास हुआ विस्तार हुआ त्रिपुरा में इसने अपनी सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में ये ये कम से कम 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी महाराष्ट्र में जहां यह पहले एक छोटी खिलाड़ी हुआ करती थी शिवसेना की एक छोटे सहयोगी के रूप में हुआ करती थी वहाँ इसने आ, अपनी सरकार बनाई 2015, 2014 के चुनावों के बाद और शिवसेना को अपने छोटे सहयोगी के रूप में तब्दील कर दिया और आ, तो हम यह कह सकते हैं कि भाजपा का विस्तार हुआ है और कई राज्यों में इसने धमक के साथ जहाँ पहले ये एक दल के रूप में मौजूद था मौजूद थी वहां उसने बहुत ही जोरदार तरीके से जीत हासिल की है मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि एक भाजपा प्रणाली जैसी चीज उभर कर सामने आ रही है भाजपा के इस वर्चस्व में आ, कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है जैसे अगर हम जब कांग्रेस प्रणाली के भीतर बात कर रहे थे तो वहाँ एक नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू जरूर थे पर ना तो वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहे थे ना ही उनके समय में पार्टी पूरी तरीके से उन पर निर्भर थी क्षेत्र के स्तर पर जो नेता थे जो मुख्यमंत्री थे वो काफ़ी हद तक स्वायत्त थे कांग्रेस संगठन भी नेहरू के व्यक्तित्व से बिल्कुल मिला हुआ नहीं था उसका एक अपना वजूद था और उसके भीतर यह संभावना थी कि वह अलग अलग तरह की आवाज़ों को अलग अलग तरह की आलोचनाओं को अपने भीतर समाविष्ट कर सके अपने भीतर मिला सके उन्हें जगह दे सके हालांकि उस पूरी प्रक्रिया में हमेशा ही कुछ आवाज़ें बाहर छूटीं और जब ऐसी आवाज़ों की संख्या बढ़ती गई तो एक गैर कांग्रेसवाद का दौर शुरू हुआ जो कि राजनीति के आगे बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया है लेकिन इसके विपरीत हम अगर भाजपा जैसी किसी पार्टी के वर्चस्व की बात करते हैं तो उसमें कुछ बातें बहुत साफ तौर पर सामने आती हैं पहली बात तो यह है कि भाजपा आ, की राजनीतिक ढांचे में एक तरह का केंद्रीकरण का तत्व मौजूद है और उस वह केंद्रीकरण प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जो मौजूदा गृह मंत्री हैं उनके व्यक्तित्व में है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उप के भीतर जो कुछ नेता हैं उनके साथ वो मिली हुई है पर मुख्य रूप से वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के आसपास संकेंद्रित हैं दूसरी चीज़ यह है कि जो भाजपा जो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के विपरीत भाजपा देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी अपना पैर उस तरीके से नहीं जमा पाई है कि यह कहा जा सके कि यह देश के हर भाग में उतनी ही प्रभाव से या थोड़े कम थोड़े ज़्यादा प्रभाव से मौजूद है देश के कई भागों में अभी भी इसकी उपस्थिति तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है जो तीसरी बात है वह यह कि भाजपा के भीतर आलोचना के स्वरों को सुनने और उसे स्वीकार करने या उसे समायोजित करने की क्षमता अभी काफ़ी कम है या बिल्कुल नगण्य है अगर आप एक खास तरीके से भाजपा के नेतृत्व की आलोचना करते हैं तब भी आपको भाजपा के द्वारा या भाजपा के नेताओं के द्वारा एक विरोधी दल या एक दुश्मन के रूप में देखा जा सकता है तो इसके कारण से जो ये एक धमक के साथ राजनीति करना जोरदार तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ना और अलग अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार करना यह जो भाजपा की सकारात्मक प्रवृत्ति है जिसमें कैडर हैं समर्पित कैडर हैं और काफ़ी ईमानदारी के साथ अपने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो वह एक सकारात्मक पक्ष है लेकिन समाज के अलग अलग समूहों को उस तरीके से खासतौर पर जो आलोचना के स्वर हैं उन्हें समायोजित करने में भाजपा सफल रही है यह जरूर है कि सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा इसने ऐसे समूहों को अपने में मिलाया है जिनकी जिन्हें अन्य दलों ने उपेक्षित किया मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी जो अपने आप को पिछड़े दलों की पार्टी मानती थी अगर वह बहुत ज़्यादा यादवों और मुस्लिमों पर ध्यान देने लगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तो ने यह कोशिश की कि अन्य पिछड़ी जातियों को वह अपने साथ मिलाए उसी तरीके से दलितों के संदर्भ में अगर भाजपा ने यह देखा कि बहुजन समाज पार्टी के राजनीति जाटों पर केंद्रित है तो उसने अन्य पिछड़ी जात अन्य गैर जा, गैर जाटों दलित जातियों को अपने में मिलाने की कोशिश की बिहार में भी उन्होंने इसी तरीके का प्रयोग किया तो एक राजनीतिक गत्यात्मकता जरूर दिखती है लेकिन अगर हम बीजेपी सिस्टम जैसे किसी टर्म को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से यह कांग्रेस सिस्टम जैसा टर्म जो रजनी कोठारी ने देखा था वह उतना लोकतांत्रिक उतना समावेशी नहीं दिखता है और अभी उसको एक पूरा स्वरूप लेने में समय लगेगा और विशेष रूप से यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और विरोधी आवाज़ों को या आलोचनाओं को सुनने की प्रक्रिया को किस तरीके से स्थापित कर पाती है तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद भाजपा का एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राजनीति में विस्तार हुआ है और इसके लिए हम एक भाजपा के प्रभुत्व की व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से यह कांग्रेस सिस्टम जिस रूप में रजनी कोठारी वर्णित करते हैं उस स्थिति में नहीं आ पाई है क्योंकि इसके पीछे इसकी कई सीमाएं हैं जिसका वर्णन अभी मैंने किया दलीय व्यवस्था के कुछ नकारात्मक पक्षों की बात हम करते हैं हमारे देश में दलीय व्यवस्था के बहुत सारे नकारात्मक पक्ष हैं आ, हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि बहुत सारे जो अनुदारवादी और उदारवादी राष्ट्र राज्य और जन आंदोलनों के संस्थापक रहे हैं उन्होंने दलों के विरुद्ध विचार व्यक्त किया है जॉर्ज वॉशिंगटन महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण अपने गांधीवादी दौर में रेडिकल मानववादी चरण में एम एन रॉय इन सबों ने दलों की आलोचना की मुख्य कारण यही था कि यह माना गया कि दल जो हैं वो वैचारिक रूप से ऐसी धड़ेबंदी को जन्म देते हैं जिसके कारण तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि लोग कुछ साझे बिंदुओं पर एक दूसरों एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ पाएँ इसके बजाय होता यह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक के रूप में लोग अपनी मोर्चाबंदी कर लेते हैं और जो व्यक्ति उनके दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है उसे वह बिल्कुल ही अपने से अलग मानने लगते हैं अपने विरोधी और कई बार दुश्मन के रूप में उसको देखने लगते हैं जिसके कारण से समाज के विकास के लिए समाज को एक नई दिशा देने के लिए अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए जो एक साझापन होना चाहिए जो एक आपसी समझ होनी चाहिए उसका अस्तित्व नहीं रहता है तो ये मैंने एक मोटी बात कही जयप्रकाश नारायण इसको अलग रूप में देखते हैं उन्होंने भी नॉन पार्टी पॉलिटिक्स की बात की थी और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पर जोर देते हैं जहाँ पर वो सतत संवाद से एक आ, ऐसा आधार बनाने की कोशिश करे करने की पर जोर देते हैं जिससे लोग एक सामुदायिक जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएँ और यह तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह राजनीतिक समुदाय की एक जो ऑर्गेनिक यूनिटी होती है उसको विखंडित करता है दूसरी जो इसमें बात है वह यह कि भारत की दलीय व्यवस्था में परिवारवाद और वंशवाद की छाया साफ तौर पर देखी जा सकती है कुछ हद तक अगर हम कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो तकरीबन सारे दलों में यह बीमारी कम या ज़्यादा स्तर पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का भी यह दावा रहा है कि वह परिवारवाद से काफ़ी मुक्त है लेकिन सिर्फ यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च स्तर पर उस तरीके से एक ही परिवार से जुड़े हुए सदस्य नहीं हैं अन्यथा भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्तर के नेताओं के पुत्रों की एक पूरी फौज है राज्य स्तर के नेताओं के परिवार के लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं कांग्रेस पार्टी तो निश्चित रूप से इस बीमारी से पीड़ित हैं ही क्योंकि वहाँ जो नेहरू गांधी परिवार है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बहुत सारे युवा किस्म के नेता दिखते हैं वो असल में उन परिवारों की विरासत को संभाल रहे हैं जो परिवार पहले एक प्रमुख नेता दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी को या देश को तो ये परिवारवाद की समस्या कांग्रेस पार्टी में भी मौजूद है जो क्षेत्रीय दल हैं चाहे हम नाम उठाकर देख सकते हैं कोई भी क्षेत्रीय दल हो सिर्फ अपवाद के इक्का दुक्का दल मिलेंगे जो कि परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह काम नहीं कर रहे हों अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी वैसे राष्ट्रीय दल है लेकिन इसके अलावा हम और किसी भी दल का नाम लें शिवसेना का नाम लें अकाली दल का नाम लें राष्ट्रीय जनता दल का नाम लें जनता दल सेकुलर की बात करें आ, तो ये सभी दरिया डीएमके या ए आई ए की बात करें ए आई ए का स्वरूप थोड़ा बदल रहा है जलिलता के बाद लेकिन अगर हम डीएमके की बात करें तो ये सभी दल जो हैं वो ऐसा लगता है कि एक फैमिली इंटरप्राइज के रूप में काम कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है या लोकतंत्र में नए खिलाड़ियों के सामने आने की संभावना को सीमित करता है तीसरे स्तर पर जो अभी भारतीय दलीय व्यवस्था है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के बराबर नहीं पुरुषों को महिलाओं के बराबर हिस्सेदारी नहीं मिली है आ, हम ये देखते हैं कि कुछ राजनीतिक दलों में महिलाएं काफ़ी संघर्ष करके सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं आ, और कुछ राजनीतिक दलों को महिलाओं ने ही शुरू किया है जैसे तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने स्थापित किया या बसपा में मायावती एक प्रमुख स्थिति में हैं सोनिया गांधी कांग्रेस में एक प्रमुख स्थिति में लंबे समय से रही हैं आ, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं मोटे तौर पर अगर हम किसी पार्टी के ढांचे को देखते हैं तो हम यह पाएंगे कि चाहे लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात हो या पार्टी के प्रमुख पद पर महिलाओं को लाने की बात हो आम तौर पर एक कोटा के रूप में एक छोटे से दिखावटी प्रतिनिधि के रूप में कुछ महिलाओं को रख दिया जाता है लेकिन महिला कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करते हुए राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ पाएँ उसमें और बहुत आसानी से वो सफलता हासिल कर पाएँ वहाँ तक पहुँचने में अभी भारतीय लोकतंत्र को एक लंबी यात्रा तय करनी है और भारतीय राजनीतिक दल भी इस संदर्भ में कोई खास उत्साह नहीं दिखाते हैं मिसाल के तौर पर आ, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है संसद और विधानसभाओं में वह विधेयक एक लंबे समय से लंबे थी पड़ा हुआ है चौथे स्तर पर राजनीति का अपराधिकरण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है हर दल इसमें कम या ज़्यादा अपने आप को संलग्न पा सकता है हम उठाकर देखेंगे तो अलग अलग दलों के लोग अलग, अलग अलग दलों में यह समस्या दिखेगी और कोई भी दल इससे अछूता नहीं है तो अगर किसी के पास बाहुबल है तो वो ज़्यादा सफल होता है पंचायत स्तर से लेके केंद्रीय राजनीति तक में उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है पाँचवें स्तर पर जो वित्त का स्रोत है वह ज़्यादा स्पष्ट नहीं है और उसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है जो ज़्यादा बड़े राजनीतिक दल होते हैं वो ज़्यादा वित्त ज़्यादा पैसा ला पाते हैं जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं उनकी या जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या जो नए राजनीतिक दल को बनाते हैं उनकी स्थिति खासी दुर्बल होती है और इससे जो लोकतंत्र का जो पूरा खेल है वह एक बराबरी का खेल नहीं रहता है बल्कि जिसके पास ज़्यादा आर्थिक संसाधन है वो ज़्यादा मजबूती से अपने दाव को चल पाता है और ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक स्थिति है इसके अलावा एक दल बदल की प्रवृत्ति भी हमारे देश के लोकतंत्र में मौजूद है दल बदल की प्रवृत्ति को उनसे निपटने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाए गए उसे सख्त बनाया गया लेकिन हर बार उससे निकलने का रास्ता उन लोगों को मिल जाता है जो कि दल बदल करना चाहते हैं या दल बदल करवाना चाहते हैं और यह इसलिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि बहुत बार और हाल के समय में भी हम इसे देख सकते हैं कि एक राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है लेकिन उसके बाद तिकड़म करके और बहुत साफ तौर पर यह सबको पता होता है कि वहाँ पैसे का खेल है मीडिया में भी लोगों को पता होता है और आम जनता को भी इस बात की समझ होती है लेकिन यह एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि कितनी सरकारें पिछले दस सालों में या पंद्रह सालों में दल बदल के कारण गिरी हैं तो हमें इस बात का एहसास होगा कि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यह असल में लोकतंत्र का एक माखौल बनाने की तरह है क्योंकि जब जनता किसी और को वोट देती है और उस पार्टी को उसके कार्यक्रमों को वोट देती है तो यह अपने आप में बड़ा अजीब होता है कि कुछ सांसद मोटे तौर पर कुछ विधायक जो होते हैं सांसदों के मामले में यह संख्या कम है ऐसी घटनाएं कम होती हैं पर कुछ विधायक पैसे को लेकर या पद के लालच को लेकर या भ्रष्टाचार से खुद को बचाने के लिए इन सब बातों के कारण दल बदल कर लेते हैं तो यह एक तरीके से लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है अंत में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आगे हम अलग अलग राजनीतिक दलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे लेकिन हम जब भारत में राजनीतिक दलों की बात जो मैंने अभी की वह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की यात्रा के बारे में बातचीत थी और आ, मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि ऐतिहासिक रूप से हम भारत में राजनीतिक दलों की यात्रा को कैसे समझ सकते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में किन्हें शामिल किया जा सकता है यह भी मैंने आपको बताया और इसके अलावा हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या वर्तमान दौर को में हम किसी बीजेपी सिस्टम जैसे शब्द के बारे में शब्दावली के बारे में विचार कर सकते हैं और हमने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि भारत में दलीय व्यवस्था की कुछ बुनियादी खामियाँ क्या हैं मुझे यह उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आप भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति उनके महत्व और उनकी सीमाओं के बारे में एक समझ बना पाए होंगे और आगे आप इस विषय से जुड़े हुए अन्य लिटरेचर या अन्य साहित्य अन्य लेखों और अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे और आप अपने ज्ञान का और विस्तार करेंगे हम अगले एपिसोड में एक अलग राजनीतिक दल के बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार